देख लो यहाँ पे आपका फोन ऑन हो गया, ठीक है, तो मतलब आपका ये हेल्थ रिपेयर हो चुका है ना, है ना कामेश सर? तो आप एकदम सेटिस्फाइड है, अब कर सकते काम? चलो ओके, वेरी गुड। कामेश आपका नाम बताओ सबसे पहले। कामेश है सर। कामेश कहाँ से आप? आंध्र से। आंध्र से है, अच्छा। इनका थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, थोड़ा हिंदी थोड़ा सा कम बोलना आता है, ठीक है। आप जितना आ सके उतना बोल सकते हैं हिंदी में, जितना आप, क्या प्रॉब्लम आपके अभी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे बताओ? ये रियलमी का 3 का मॉडल है सर। अच्छा, रियलमी 3 का है, ये रियलमी 3 का मॉडल है आपका, ठीक है। क्या इशू है आपका फ़ोन में? ये हैंग ऑन लोगो है सर। हैंग ऑन लोगो, रिस्टार्ट हो रहा है मतलब? अच्छा, आप पहले फ्लैशिंग करके देख लिए इसको? फ्लैशिंग में प्रॉब्लम आया ना इसका, सबसे पहले आप पहले फ्लैशिंग करके देखे तो फ्लैशिंग में एरर आ रहा था, तो उसके बाद की क्या किया आपने? ये सर EMMC हेल्थ कंप्लेंट। हाँ, तो आपने EMMC निकाल के यहाँ पे बॉक्स में डिटेक्ट किए, तो एक बार बॉक्स में डिटेक्ट करने के बाद क्या प्रॉब्लम आ रहा है जरा EMMC में, जरा आप बताइए। अच्छा ठीक है, ICU डिटेक्ट हो गई है, आप बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा ऊपर बताओ लेके और, ठीक है सर। यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट इज वेरी बैड, ठीक है, ये आपका जो EMMC का हेल्थ का प्रॉब्लम है, इसके वजह से फोन क्या हो रहा है, रिस्टार्ट हो रहा है, लोगों पे रिस्टार्ट हो रहा है। आप फ्लैशिंग कर रहे हो तब भी वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है बताओ? इसमें प्रॉब्लम क्या है EMMC के अंदर? EMMC वेरी बैड है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको हेल्थ रिपेयर करना बताया है आपको, कैसे कैसे आपको रिपेयर करना है, तो स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस करोगे। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लिए, चलो उसके बाद क्या करना है? स्मार्ट कार्ड रिपोर्ट है सर। एक बार रिपोर्ट दिखा दो इसका हेल्थ। ओके ठीक है, वाकई में इसका हेल्थ में नॉर्मल की जगह पे अर्जेंट आ रहा है। तो अब इसका क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या लेना है सर? रीड बाय वेंडर। हाँ, डम रीड बाय वेंडर में जाके क्या करेंगे आप इसका डम? हाँ, इनका थोड़ा हिंदी का इसका इशू है, इनके लिए बोलना नहीं आ रहा है। तो इसका डम क्या करेंगे हम? बैकअप करेंगे सबसे पहले, एक्सक्लूड वाला डम। तो आपको प्रोसेस तो पता है, आप प्रोसेस तो कर सकते हो, चलो वेरी गुड। चलो मेडिटेक में चले गए उसके बाद, हाँ उसके बाद वेरी गुड। तो ये प्रोसेस आपको यहाँ स्टेप बाय बताया आपको क्या क्या आपको करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, सारा पार्टीशन लेना है क्या? अच्छा ठीक है, कौन सा आंटी करना बताओ? यूजर डाटा। यूजर डाटा, कस्टमर का डाटा नहीं चाहिए हमें, अगर लेंगे तो कितना GB का आ रहा है देख लो, 50 GB का हमें डाटा, अगर कस्टमर का बैकअप करेंगे तो पूरा दिन चला जाएगा, है ना। चलो उसके बाद क्या करना है आगे नेक्स्ट? चलो वेरी गुड, हाँ ठीक है वेरी गुड। उसके बाद रीड EMMC। अब यहाँ पे आपका ROM 1 जो मेन यूजर एरिया है, जो आपका यहाँ पे सेव करने के लिए ऑप्शन बता रहा है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेंगे, ठीक है। आपका क्या मॉडल है? Realme 3 सर। चलो Realme 3 का एक फोल्डर बना लो, स्पेस देना स्पेस, ठीक है ठीक है, सेव कर दो, ठीक है ओपन, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे आपका ROM 1 बैकअप हो रहा है इसका डंप, यहाँ पे करीब 7 मिनट का टाइम बता रहा है। तो यहाँ पे 1 by 1 आपको पता है कि पहले ROM 1 लेना है, ROM 2 लेना है, उसके बाद क्या लेना है? ROM 3 है ना। सारा एक एक करके हमें पार्टीशंस को बैकअप करते रहना। आपको सब पता है कि ROM 1 मेरा कौन सा फाइल है, ROM 2 में क्या होता है, ROM 3 में क्या फाइल्स होती है, ये आपको सब पता है, ठीक है। तो ये मस्ट है ये या नहीं है, ये जरूरी है नहीं है जरूरी लेना बैकअप पूरा? बहुत जरूरी है, अगर नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, फोन बूट करेगा नहीं है सर, ठीक है। इसके अंदर EXT CXD कमांड फाइल होती है, सारा के सारा ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला फाइल होता है, तो हमें ये सारा बैकअप करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए वेट करेंगे थोड़ा सा, फाइल पूरा बैकअप होने के लिए इसको मिनिमम 6 मिनट का टाइम ले रहा है, तो इसके लिए वेट करेंगे। वेट करते हैं इसका डम फुल बैकअप। ये ROM 1 जो हमारा बड़ा साइज होता है ना,
मिनिमम 5 GB 6 GB तक का बैकअप कर लेता है, इसके लिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसके लिए वेट करेंगे। बाद में ROM 1 ROM 2 को साइज़ कम होता है, वो तो आपका 1-5 सेकेंड के अंदर हो जाता है बैकअप, है ना सर। लेकिन आपको कामिश यहाँ पे सारा प्रोसेस समझ में आ गया, इजी में समझ में आया, इजी है सर। अब कुछ भी अगर काम आ जाए आपके पास, ऐसा प्रॉब्लम हेल्थ का प्रॉब्लम हो या इम्यूनसी चेंजिंग वाला प्रोसेस हो, तो कर सकते या नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर, इजीली। हार्ड था क्या कुछ? कुछ भी हार्ड नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपके पास ऐसा ही फोन आपके पास आएगा, आप शॉप पे बैठ के काम करेंगे, तो आप कर सकते हो क्या वापस किसी के पास, ऐसा कई दुकानदार के पास लिया के पैसा देके काम करवाने की जरूरत है? अभी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, अब उनका काम हम खुद ही कर लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही उन लोगों का काम खुद ही कर सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे, अच्छा आपको कैसा लगा अभी यहाँ पे आने के बाद, सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड है सर। जो सोच के आए थे वो मिला? मिला है सर। मिल गया, अच्छा वेरी गुड। चलो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टाइम और बचा हुआ है, 1 मिनट 48 सेकेंड्स, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना, पेशेंस रखना रहता है ये सारा चीज़ों में, है ना। किस में ज़्यादा टाइम लेता है, किस में कम टाइम लेता है, अभी इसमें हमारा 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का टाइम लिया, लेकिन किस में ज़्यादा टाइम लेता है, 1 आवर से ज़्यादा, तो क्या करेंगे हम? वेट करेंगे या ऐसे ही ज़्यादा काम करके भगा देंगे कस्टमर को? वेट करके काम करवाएंगे, जिसको ज़्यादा टाइम लगता है उसको टाइम दे के करवाएंगे, है ना। चलो यहाँ पे प्रोसेस डन होने वाला है हमारा, ठीक है। ये डन हो गया हमारा, रोम वन सेव हो गया। अब कौन सा फाइल लेना है, बैकअप करना बताओ? रोम टू। हाँ ओके वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है? रियलमी 3। हाँ ओके, वही फोल्डर में सेव करना है, ठीक है। ये आपका सेव हो गया 4 MB का फाइल। उसके बाद ROM 3, चलो वेरी गुड, सेव, डन हो गया, ठीक है। अब अपना फुल डम बैकअप हो गया, उसके बाद करना क्या है? रिपेयर वाला प्रोसेस करना है। तो रिपेयर प्रोसेस में सबसे पहले क्या करेंगे आप? यूनिवर्सल फैक्ट्री। ओके वेरी गुड, कर लो, क्योंकि फैक्ट्री रिसेट हम डायरेक्टली कभी कब करेंगे, जब हमारा डम बैकअप हो जाए। बिना डम बैकअप करेंगे क्या फॉर्मेट? नहीं करेंगे। अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आईमिया चला जाएगा कस्टमर का, डम चला जाएगा, सिस्टम फाइल चला जाएगा, इसमें ज़्यादा इशू होगा, ठीक है। सिस्टम फाइल तो हम रिपेयर वगैरह कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, है ना। अच्छा ठीक है, कर लो, चलो ओके, सक्सेसफुल हो गया। एक बार आइडेंटिफाई करो आईसी का, ठीक है। यहाँ पे जो आप कर रहे हो, यहाँ पे हेल्थ रिपेयर कर रहे हो, ओके वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है आपको? रीड फ्रॉम, ये सारे बॉक्स चेक करने के बाद यहाँ पे आपको, हाँ ठीक है, कहाँ, हाँ अच्छा फाइनल राइट, क्या करना है आपको? फाइनल राइट, हाँ यहाँ पे देखो, फाइनल राइट करने के लिए यहाँ पे यस और नो बता रहा है, अब क्या करोगे? यस, ओके यस कर लो, ठीक है सक्सेसफुल। चलो इसके बाद एक बार आइडेंटिफाई करके बताओ, ईएमसी का हेल्थ रिपेयर हमारा रिपेयर डन हुआ या नहीं हुआ है? नहीं सर। ठीक है, एक बार अभी इसको चेकिंग होने देंगे सबसे पहले, फिर एक बार एडवांस में आप जाके इसका हेल्थ रिपोर्ट चेक करवाना, ठीक है। हाँ एक बार हेल्थ चेक करवा दो, इसका हेल्थ रिपेयर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्या बता रहा है यहाँ पे? नॉर्मल ईएमसी हमारा क्या हो गया यहाँ पे? नॉर्मल हो गया हेल्थ हमारा यहाँ पे, अब रिपेयर हो गया। तो अब इसके बाद क्या प्रोसेस करेंगे? अब इसके बाद जो हमारा डंप लिया हुआ है उसको क्या करेंगे हम? वापस राइट करेंगे, ठीक है, कर लो स्टार्ट।
क्या करना है यहाँ पे, आपको डम्ब राइट करना है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट पहले रोम वन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, रियलमी सी टू पे फोल्डर में, हमें हमारा रियलमी सी थ्री है हमारा मॉडल, ठीक है। डेस्कटॉप पे जाएंगे उसके बाद, नहीं नहीं वो नहीं, वाला मॉडल नहीं, बैकअप रियलमी थ्री और दूसरा फोल्डर है, ओके वेरी गुड। उसके बाद हाँ रोम वन को सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सारे फाइल्स देखो ऑटो लोड हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद करना क्या है, हाँ चलो राइट करके बताओ, ठीक है राइट ऑल रोम। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डंप अभी वापस जो हमने रीड किया हुआ था वो वापस से क्या हो रहा है, राइट हो रहा है, ठीक है। अब राइट होने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे, कम से कम यहाँ पे 10 मिनट्स का या 7 मिनट का टाइम लेने वाला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अच्छा काम है, थोड़ा सा इधर बताओ, ये आप जो बॉक्स यूज कर रहे हो तो ये इसके पहले कभी यूज किए थे आप, इसके पहले बॉक्स यूज किए थे आप, यूज मतलब बॉक्स आपके पास अवेलेबल है सर? नहीं है सर। ये आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो? फर्स्ट टाइम। ये आप इसके पहले यूज नहीं किए कभी? यूज नहीं किए। हाँ तो अभी ये बॉक्स अगर आप लेंगे जाके तो यूज कर पाएंगे? तो इसके लिए क्या था, यहाँ पे हमने ट्रेनिंग ली है, सारा चीज इजी अटैक का ट्रेनिंग ली है, योफाय बॉक्स का ट्रेनिंग ली है, तो ये पहले बॉक्स हम रिपेयर कर सकते थे क्या इससे? नहीं है सर। अच्छा अभी तेलुगु में समझ में आ गया, ठीक है। ये इनको बोल रहे थे कि ये पहले बॉक्स आप यहाँ पे इसके पहले आने से पहले यूज किए कभी? यूज किए। यूज किए सर। तेलुगु में बोलो भाई एक बार। नहीं है सर। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा तेलुगु इशू है, हिंदी इशू है, हिंदी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है इसके लिए। तो अब यहाँ से जाने के बाद यूज कर सकते ये बॉक्स? यूज कर सकते। नाउ यू कैन यूज आफ्टर, ओके चलो ठीक है, वही तो बता रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, यहाँ पे और टाइम ले रहा है, 45 सेकेंड्स वेट करेंगे। यहाँ पे ये डन हो गया, ठीक है ऑल डन। चलो एक बार आइडेंटिफाई करो वापस से MMC। ठीक है यहाँ पे सारा सॉफ्ट पार्टीशन आ गया। अब ये MMC को क्या करेंगे हम, अब बोर्ड में फिक्स कर लेंगे, ठीक है। निकाल लो उसमें से MMC। ठीक
बोर्ड लगा लो। इसका मतलब पूरा देखो तुम्हारा इतना ऐसे चेक करना है। सुनो अच्छे से लगा लो, ज्यादा परेशान नहीं हो, ठीक है? एक एक स्टेप करके सीखा जाता है। अभी तुम हैंड स्किल को डेवलप करो, ठीक है? वो हो जाता है डायग्राम। डिस्प्ले ड्रिप स्ट्रिप लगा लो। तुम हैंड स्किल डेवलप कर लिया ना, तुम सपोर्ट लेते 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 ऑन कर लो, आगे जा सकते, ठीक है? बैटरी का चार्जिंग लोगो आ रहा है। अच्छा ठीक है, चार्जिंग लगा लो। पहले ये फोन क्या प्रॉब्लम था? फर्स्ट लोगो पे स्टक अप था। ठीक है चलो यहाँ पे चार्जिंग एक बार लगा के देख लेते हैं ऑन होने के बाद। चलो 1% आ गया, ऑन कर लो। ठीक है ये फर्स्ट लोगो पे आ गया हमारा। ठीक है तो ये पहले लोगो पे ऐसे ही स्टकअप हो रहा था, है ना? इसके आगे नहीं जा रहा था। देखेंगे हमारा अगर सेकंड लोगो ऑन होता है तो ऑन हो जाएगा फोन हमारा, देखते हैं। ठीक है यहाँ पे हमारा सेकंड लोगो ऑन हो गया। ठीक है इनके लिए क्लैप्स। ठीक है यहाँ पे सेकंड लोगो आ गया है, देखते हैं ऑन होने के बाद। इसका डिस्प्ले शायद डैमेज है ना ऊपर से। चलो ठीक है ऑन तो होने के बाद दिखेगा फोन, देखते हैं। वेट करेंगे थोड़ा सा, फर्स्ट टाइम ऑन होने के लिए टाइम लगेगा फोन। ऑन करो एक बार, बैटरी डाउन हो गया क्या? अच्छा ठीक है बैटरी डाउन है, ऑन करो फिर से। रुको रुको परसेंटेज आने दो एक बार। चेक कर लो एक बार, लूज है क्या चार्जिंग? चार्जिंग उसको हिलाना नहीं, ठीक है? चार्जिंग लूज है शायद, तो ये बंद हो जाएगा ना। ठीक है ऑन हो रहा है। तक हमारी आवाज जा रही है आप सबको हमारा निमंत्रण। ठीक है यहाँ पे फर्स्ट लोगो तो आ गया, हिलाना नहीं है केबल ने, तो उससे फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा। चार्जिंग लूज कॉन्टेक्ट है इसमें। यहाँ पे सेकेंड लोगो भी आ गया है। देखो सेकेंड लोगो आने का मतलब ये है कि आपका फोन बूट अप कर रहा है। ओके देख लो यहाँ पे आपका फोन ऑन हो गया, ठीक है? तो मतलब आपका ये हेल्थ रिपेयर हो चुका है ना, है ना कामेश सर? तो आप एकदम सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड सर। अब कर सकते काम? चलो ओके वेरी गुड।